प्यारे देशवासियों, पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। मैं आप सभी देशवासियों से कुछ मांगने आया हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। कंडीशन है, इसे बचाना बहुत मुश्किल है। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। भारत में कोरोना वायरस अपना अटैक कर चुका है। कोरोना से बचने के लिए भारत की युद्ध स्तर पर तैयारियों के बीच ये मामला चिंता जरूर पैदा करता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सब हो जाएगा ठीक। स्ट्रॉन्ग बनो डोंट बी वीक। जमीर हम लोगों का मैला हुआ है, इसीलिए वायरस ये फैला हुआ है। सब स्टॉप हो गया, सेंसेक्स ड्रॉप हो गया। मत करो तुम इतना पैनिक, डूब जाएगी फिर टाइटैनिक। ट्रैवलिंग को रोक दो, इस वायरस को ठोक दो। ठोक नहीं सीरियस है, ये मैटर मिस्टीरियस है। गो आफ्टर बकरी खाओ, दाल सब्जी ज्यादा खाओ, भीड़ भाड़ में कम जाओ, ट्रिम हो जाओ, जिम जाओ। गले लगाना, हाथ मिलाना सब छोड़ रही है। पब्लिक दुनिया भर की अब हाथ जोड़ रही है। हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते। तुम भी सब करो ना, फिर खुल जाएंगे रास्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते। अभी कल की ही तो बात है, लोग स्कूटर की पीली रोशनी से हमें नहलाते थे। लोग गाड़ियों की हॉर्न से कान में संगीत खोल जाते थे। वैसे तो हम बेजान हैं, पर सड़कों की चहलकर्मी से हम भी जिंदा नजर आते थे। जाने वक्त ने कैसा घाव दिया है। वक्त ने घाव दिया है तो वक्त ही मलहम लगाएगा। हमें यकीन है वक्त पे फिर से हमारा पुराना वक्त लौट आएगा। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए।
तुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। कोरोना से बचाव के लिए हमारे जिला प्रशासन ने भी कोरोना काल में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किए। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से